टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं फिरोज हाशमी, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। टोरेंट पावर आने से पहले और आने के बाद लगातार इसका विरोध किया जा रहा है, चाहे भिवंडी हो या मुमरा कलवा, लेकिन इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं हर नेता व सोशल वर्कर, इसका विरोध कर रहा है। अभी कुछ दिन पहले भिवंडी से खालिद गुड्डू ने आंदोलन किया था टोरेंट पावर को लेकर, जिसमें उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। उसके पहले कलवा मुमरा में महामोर्चा, धड़क मोर्चा, कड़क मोर्चा आंदोलन हुए, लेकिन टोरेंट पावर की कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब टोरेंट के रवैये से जनता परेशान है, जिसको लेकर पिछले दिनों बीजेपी से किरीट सोमैया और निरंजन डोखरे ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पत्रकार परिषद किया था, जिसमें टोरेंट पावर व महावितरण पर सवाल उठाए थे। और अब कलवा से बीजेपी के कार्यकर्ता मनोहर सुखधरे ने फिर सवाल उठाए हैं, लॉकडाउन में बिलों की भरमार कैसे लग रही है, रेसिडेंशियल तो रेसिडेंशियल लेकिन दुकान फैक्ट्री जब बंद है तो उनका बिल ज़्यादा आना ये क्या दर्शाता है, टोरेंट पावर की मनमानी है या अन्य वजह है। सुनिए मनोहर सुखधरे ने क्या कुछ कहा है। ऐसा है कि लॉकडाउन के काल में, ये जो हम लोग मार्च में लॉकडाउन का काल शुरू हो गया, कोरोना का जो प्रादुर्भाव शुरू होने के बाद में, उस कालावधि में आज हम लोग देखेंगे लगभग आज 4-5 महीना हो गया। आज 4-5 महीने में आज लोग घर पे बैठे हैं, कुछ काम धंधा नहीं है लोगों के पास में, जो भी उत्पन्न का साधन है वो टोटल पूरा के पूरा 5-6 महीने से टोटल पूरा बंद है। और मार्च महीने से देखेंगे तो आज लॉकडाउन के काल तक, आज तक अगस्त महीने तक जो लाइट के बिल महाराष्ट्र की जनता को मिल रहे हैं, वो महाराष्ट्र की जनता आज की तारीख में लाइट का बिल भर नहीं सकते, क्योंकि ये ज़्यादा बिल आ गया है। हमारे ऊर्जा मंत्री बोल रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से लाइट का बिल ज़्यादा आया है। मुझे बताइए कि वर्क फ्रॉम होम में अगर हम लोग लैपटॉप घर में यूज़ करते हैं या कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो सिंगल फेज है, उसका बिल कितना आ सकता है? वो सिंगल फेज के ऊपर चलने वाला लैपटॉप का बिल एक फैन के जैसा या एक हमारे LED ट्यूब के जैसा बराबर का यूनिट उसके ऊपर गिरना चाहिए। लेकिन ये जो बता रहे हैं वो बालिश उनका जवाब है, हमारे मंत्री महोदय जो है उनका बालिश जवाब है कि वर्क फ्रॉम होम की वजह से ये लाइट का बिल ज़्यादा है। मुझे एक बताइए, अगर एक सोसाइटी में 50 फ्लैट है और 50 फ्लैट में से कम 10 या 12 या 15 फ्लैट के अंदर वर्क फ्रॉम होम चालू है, तो 35 फ्लैट के जो रहने वाले लोग हैं वो वर्क फ्रॉम होम नहीं है तो उनको लाइट का बिल क्यों ज़्यादा आ रहा है? अगर हम लोग समझो स्लम एरिया में पकड़ेंगे तो स्लम एरिया में 1000 लोग अगर झोपड़पट्टी एरिया में रहते हैं और वहाँ पे 100-200 लोगों के घर में वर्क फ्रॉम होम चालू है तो 800-900 लोगों को लाइट का बिल क्यों ज़्यादा आ रहा है? उनके घर में वर्क फ्रॉम होम नहीं है, वो बेचारे सादे सुधे लोग हैं, उनके घर में एक सादा ट्यूबलाइट और एक खाली फैन चल रहा है तो उनको 5000-10000 का लाइट का बिल क्यों आ रहा है? कलवा मुमरा या भिवंडी के लोग या कलवा मुमरा या दीवा के ग्रामीण के भी लोगों को पता चलना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति का राज्य था, वो टाइम पे हमारे जो ऊर्जा मंत्री थे बावन गुले साहब, उन्होंने टोरेंटको को फेब्रुवरी में स्थगित दी थी, फेब्रुवरी के पहले स्थगित दी थी। बाद में इलेक्शन के बाद में ये महाविकास आघाड़ी की सरकार आ गई है और महाविकास आघाड़ी की सरकार आने के बाद फेब्रुवरी में तुरंत ये टोरेंट ने 4 दिन के अंदर चार्ज कैसा के ले लिया पूरा MSEB का। इसमें कुछ ना कुछ तो दाल में काला लग रहा है। और जो आंदोलन करने वाले थे, जो सो कॉल नेते कलवा मुमरा में आंदोलन करने वाले नेते थे, आज वो आंदोलन करते कहाँ पे है? अगर महाराष्ट्र के अंदर बुलेट ट्रेन को स्थगिति मिल सकती है, नाना प्रकल्पों पर स्थगिति मिल सकती है, तो आप महाविकास आघाड़ी के जो पदाधिकारी, जो नेते लोग आंदोलन कर रहे थे, शिवसेना के जो लोग आंदोलन कर रहे थे, तो आज कहाँ पे है? और ये टोरेंट को क्यों ने स्थगिति दे दिया? हमारी मांग है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि भाजपा के काल में जो भी अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट चल रहे थे उनको जिस तरह से ये महाविकास आघाड़ी ने सरकार ने स्थगिति दी है, तो टोरेंट को भी स्थगिति तुरंत देना चाहिए और कलवा मुमरा के जो नागरिक ये जो बिल ज़्यादा आ रहे उनको दिलासा देना चाहिए। हमारे आमदार और हमारे थानेश्वर जिला के जिला अध्यक्ष निरंजन जी डावकरी साहब, मैं खुद, हम लोग कलेक्टर साहब को निवेदन दिया था और हमारे साथ में कलवा के ग्राहक मंच के देसाई है वो भी हमारे साथ में थे और हम लोग ने कलेक्टर साहब को जो निवेदन दिया उसमें हम लोग ने सारी बातें लिखी हुई है कि किस तरह से लाइट के बिल ज़्यादा आ रहे हैं।
जो बिल ज्यादा आ रहे हैं, जो यूनिट के हिसाब से ज्यादा बढ़ा के चढ़ा के दिया है लोगों को, और ये जो बिल के बारे में जो तकरार हम लोग ने कलेक्टर साहब को दी थी, तो कलेक्टर साहब ने ये फाइल मुख्यमंत्री माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब को भेजी है। फिर वो कहाँ पे है, फाइल हमारी अटकी हुई है। मुख्यमंत्री साहब इसके ऊपर क्यों नहीं इसके ऊपर निर्णय ले रहे हैं। उसके बाद में लास्ट वीक में भारतीय जनता पार्टी के भाजपा कार्यालय में आमदार निरंजन जी डावकरे साहब, किरण जी सोमैया, आमदार संजय जी केलकर और हमारे पूर्व अध्यक्ष और हमारे चिटनीस संदीप जी लेले साहब, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बताया कि हम लोग ने एमआरसी जो है यहाँ पे महावितरण के खिलाफ याचिका दाखिल की है और उसके ऊपर सुनावनी होके एमआरसी ने महावितरण को आदेश दिया है कि एक हफ्ते के अंदर ये लाइट के बिल का जो ज्यादा उन्होंने बिल मांगा है लोगों से, वो किस तरह से मांगे उसका स्पष्टीकरण मांगा है। तो आपने सुना, लॉकडाउन में पहले तो जनता परेशान है और अब टोरेंट पावर ने लंबी लंबी बिल भेज कर सदमे में डाल दी है। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।